गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग अवयव पढ़ रहे थे। अवयव में अवयवों का जोड़ना घटाना पढ़ लिया था कि दो अवयव अगर दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है, दो अवयव ए और बी दिए हुए हैं और उनको चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, ये तभी संभव है जब उनके क्रम समान हो। चाहे 2x2 को हो तो अगला भी 2x2 का ही हो, 2x3 का हो तो दूसरा भी 2x3 का ही होना चाहिए। जब उनके क्रम समान होंगे तभी दो अवयव जुड़ते हैं। आज हम लोग अवयवों का गुणनफल पढ़ेंगे, दो अवयवों का गुणनफल। ठीक है ना, दो अवयवों का गुणनफल पढ़ेंगे। तो दो अवयवों का गुणा कब किया जाता है, जब पहले अवयव में स्तंभों की संख्या, दो अवयव अगर दिए हुए हैं ए और बी, इन दोनों अवयवों का गुणा तभी संभव है जब पहले अवयव में स्तंभों की संख्या, ये कॉलम स्तंभों की संख्या, और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर हो। पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर हो तभी हम दो अवयवों का गुणा कर सकते हैं। और उनका जो रिजल्ट आएगा गुणनफल, वो भी तो एक अवयव ही आएगा। तो ऐसे मान लो ए जो है तो ये हमारा m क्रॉस n का अवयव है। m क्रॉस n से क्या मतलब होता है, इसमें m पंक्तियां और n कॉलम है, ठीक है। दूसरा जो है तो n क्रॉस p का अवयव है, ठीक है। पहले अवयव में पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या, स्तंभ कितने पहले अवयव में n, और इसका गुणा तभी संभव है जब दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर। तो यहाँ n स्तंभ है और यहाँ n क्या है, पंक्तियां हैं। तो जो इन दोनों को गुणा करेंगे, गुणा करने पे जो रिजल्ट आएगा उस अवयव का क्रम क्या होगा, वो हो जाएगा m cos p, ठीक है। m cos n और n cos p का गुणा किया तो क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा m cos p। तो ध्यान रखना है दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव है जब पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, अवयवों के गुणनफल की प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्रम विनिमेय नियम, क्रम विनिमेय नियम नाम से स्पष्ट है, क्रम की अदला बदली। दो अवयव ए और बी दिए हुए हैं, ठीक है ना। यदि हम ए में बी का गुणा करें, ए बी, और बी में ए का गुणा करें, बी ए, तो वैसे जनरली तो आप लोग देखते हो कि दो में हम तीन का गुणा करें और चाहे तीन में दो का गुणा करें, आता छह ही है। पर यहां पे ऐसा नहीं है, अगर हम a का गुणा b में करें और b का गुणा a में करें तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अवयवों का गुणनफल क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। a का गुणा b से करें, a को पहले लिखते हैं b को बाद में लिखें फिर गुणा करें, या b को पहले लिखते हैं a को बाद में लिखें फिर गुणा करें, तो वो दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा सभी सवालों के लिए नहीं होता है कि नहीं सब सवालों में यही होगा, कुछ सवालों में ऐसा हो सकता है कि बराबर हो, पर सामान्यतः बराबर नहीं होता है, अतः अवयव क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करता है। इसके बाद गुणनफल के लिए है, ठीक है ना। अगला है सहचर नियम, सहचर नियम के लिए तीन अवयवों की जरूरत पड़ती है, ए बी और सी, तीन अवयव ले लिए। तो इसमें अगर हम ए और बी का गुणा करें, ए और बी का पहले गुणा कर लिए, ठीक है, ये हो गया, और फिर जो गुणा आया उसमें सी का गुणा करें, ए और बी का हमने पहले गुणा कर लिया, ए बी, पहले ए को लिखा फिर बी का, दोनों का गुणा कर लिया,
उसके बाद सी को लिखा, अब पूरे का गुणा कर लिया। ये बराबर होगा किसके, चाहे हम बी और सी का पहले गुणा कर लें, बी और सी का पहले गुणा कर लें और जितना रिजल्ट आए उसमें किसका गुणा कर दें, ए का गुणा कर दें। तो ये कहलाता है सहचर नियम। तो आव्यूह जो है तो सहचर नियम का पालन करता है, क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं करता, लेकिन जब ये तीन आव्यूह हो जाते हैं तो सहचर नियम का पालन करता है। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी वितरण नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम, इसके लिए भी तीन आव्यूह चाहिए। मान लो तीन आव्यूह हमारे पास हैं ए बी और सी, ठीक है। ए का गुणा इस तरह से, पहले हम आव्यूह बी और सी को जोड़ लें, पहले आव्यूह बी और सी को क्या किया, जोड़ लिया। जोड़ने पे जो मिला उसमें ए का क्या कर दिया, गुणा कर लिया। ये बराबर होगा ए बी, ए बी का मतलब ए का गुणा बी में, प्लस ए सी के, ठीक है ना। वितरण नियम क्या है, पहले बी और सी को जोड़ लिया, फिर जोड़ने पे जो आया उसमें ए का मल्टीप्लाई कर दिया, या पहले हम ए और बी का गुणा कर लिया और ए और सी का गुणा कर लिया, ठीक है ना। तो जितना इधर की वैल्यू आएगी, मतलब जितना इसको हल करने पे आएगा उतना ही इसको हल करने पे आएगा। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम, ए प्लस बी इंटू सी, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे यहां पे ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए बी प्लस ए सी, अगर किसी ने गलती से ए सी तो है, चलो सी ए ही कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये फिर दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। तो इसलिए इस तरह से ही होगा ये ए बी प्लस ए सी, या इस तरह से वितरण नियम है, ए प्लस बी इंटू सी, तो ये हमारा हो जाएगा ए सी। देखो ए सी और सी ए अलग अलग है, ए सी और सी ए अभी हमने देखा ना क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं करता, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए ए सी प्लस बी सी, ठीक है ना। तो ये भी वितरण नियम है, इस तरह से आव्यूहों का गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। अगली प्रॉपर्टी है शून्य आव्यूह के लिए है, चौथी प्रॉपर्टी, दो अशून्य आव्यूहों का गुणनफल। अगर दो अशून्य आव्यूह ए और बी दिए हैं, अशून्य मतलब वो आव्यूह के सारे एलिमेंट जीरो ना हो, तो भी उनका गुणनफल शून्य आव्यूह हो सकता है। अभी जैसे कोई नंबर हमने लिया, पांच लिया और एक लिया, अगर पांच एक कम जीरो हो जाए, ऐसा संभव है, संख्याओं के लिए संभव नहीं है पर यहां आव्यूह के लिए है। दो अगर अशून्य आव्यूह दिए हैं जिनके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, उन दोनों का हम आपस में गुणा करें तो आंसर जीरो आ सकता है। ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर दो अशून्य आव्यूह जिनके मान जीरो ना हो, ठीक है, उनका आपस में गुणा करें तो भी हमको शून्य आव्यूह मिल सकता है। फिर अगला है कैंसिलेशन नियम, निरसन नियम। ये इसमें भी तीन आव्यूह की जरूरत पड़ती है। मान लिया ए बी और सी तीन आव्यूह दिए हुए हैं, ए बी और सी तीन आव्यूह दिए हुए हैं, और इसमें से अगर हम ए बी का गुणा करें, ठीक है ना, ए और बी का गुणा करें, ए बी बन मिल गया, फिर ए और सी का गुणा करें तो क्या मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यदि ए बी और ए सी बराबर हो, तीन आव्यूह निरसन नियम, ए बी और सी तीन आव्यूह, ए का गुणा बी में किया ए बी मिल गया, ए का गुणा सी में किया ए सी मिल गया, दोनों आव्यूह मिल जाएंगे। और यदि दोनों बराबर हैं तो कैंसिलेशन लॉ कहता है कि बी और सी भी बराबर होंगे, आव्यूह बी और सी भी बराबर होंगे, पर यह सामान्यता संख्याओं के लिए ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं पूर्ण संख्याओं के लिए ठीक है, पर यह मैट्रिक्स में निरसन नियम का पालन नहीं करता। आव्यूह जो है तो निरसन नियम का पालन नहीं करता, यह बी डज नॉट इक्वल टू सी होगा, ठीक है। यदि तीन आव्यूह दिए हैं
हमने ए का गुणा बी से किया ए बी, ए का गुणा सी से किया ए सी, और ए बी बराबर ए सी है, ठीक है ना, ए बी और ए सी बराबर आ भी जाते हैं तो भी बी सी के बराबर नहीं होगा। ये अवयवों की सामान्य प्रॉपर्टी थी। अब हम कुछ क्वेश्चन करके इसको और अच्छे से समझेंगे कि इसका गुणा कैसे किया जाता है। इसके गुणा को समझ लेते हैं कि गुणा इनके कैसे किए जाते हैं। मान लो 2 क्रॉस 2 का ही कोई अवयव दिया हुआ है, a बराबर मान लो 3 4 दिया हुआ है और 5 6 दिया हुआ है, और b बराबर दिया हुआ है। अवयवों का गुणनफल कब होता है? जब पहले अवयव में स्तंभों की संख्या कितने स्तंभ है? 2। तो दूसरे अवयव में पंक्तियां 2 तो होनी ही चाहिए। ऐसा भी होगा तो चलेगा, ठीक है, 2 पंक्तियां हैं। अब थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको, ये मान लो 4 एक हो गया। अब इन दोनों अवयवों का गुणा करना है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, इनका गुणा देखते हैं। ए गुणे बी 3 5 4 6, और अगला है 3 5 4 1। अब इनको गुणा करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका बताते हैं, ये पहली पंक्ति लिया, इसका गुणा पहले स्तंभ से और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ही होगा, मतलब 3 का गुणा किससे होगा? 3, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 3 का गुणा 3, फिर प्लस, अगर माइनस चिन्ह होगा तो ठीक है माइनस लगा सकते हैं, पर बाकी सब हमेशा प्लस ही रहता है। 5 का गुणा 5 से, 5 गुणे 5, फिर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ वो यहां पे आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यहां पे आएगा, 3 गुणे 4 3 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 1 5 गुणे 1, फिर अब दूसरी पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया ना, पहली पंक्ति का हमने पहले स्तंभ से भी पूरा कर दिया यहां पे, और पहली पंक्ति का ही दूसरे स्तंभ से भी गुणा कर दिया ये। अब दूसरी पंक्ति पे आते हैं, ये है दूसरी पंक्ति 4 6, इसका गुणा करते हैं इसके साथ में, 4 गुणे 3 इसका गुणा इसके साथ में, 4 गुणे 3 प्लस 6 गुणे 5 ये हो गया। फिर इसी दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, 4 गुणे 4 प्लस 6 गुणे 1 ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 3 9 25 12 5 12 30 16 और 6 ये, और सॉल्व कर लेंगे, 25 9 34 12 5 17 ये 42 और ये 16 6 22। तो इस तरह से आप लोगों का गुणा कर लिया गया, ठीक है ना, कुछ नहीं, पहली पंक्ति उठाया पहले स्तंभ से गुणा किया, यहाँ पे पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा कर दिया। गुणा करने पे आदमी लगता बहुत सरल है पर कभी कभी जल्दबाजी में गलत कर देता है, इसलिए ध्यान से करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्योंकि दूसरा स्तंभ है ना, दूसरा स्तंभ बनाना है, फिर दूसरी पंक्ति ये हमारी दूसरी पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति का एलिमेंट लिया पहले स्तंभ में गुणा किया तो पहले पे आया, दूसरी पंक्ति का ये एलिमेंट लिया दूसरे स्तंभ से गुणा किया तो इस तरह से आ गया। इसकी एक और विधि है करने की, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा इसी सवाल पे, ए क्रॉस बी ही करेंगे, ये यहां से ले लेते हैं, ए क्रॉस बी लिखा हुआ है ना, इसमें क्या करना है गुणा करने के लिए, ये देखेंगे, पहला स्तंभ ले लिया इसी तरह से एज इट इज 3 4 जो यहां पे पहले स्तंभ पे लिखा था, वैसे ये ज्यादा सही है, 3 5 अपना पहली पंक्ति ले लिया पहला स्तंभ ले लिया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पर इसको भी देख लेंगे हो सकता है ये ज्यादा सरल लगे आप लोगों को। तो पहली पंक्ति ले लिया वो पहला स्तंभ ले लिया 3 4, अब दूसरे अवयव के इस पहले स्तंभ के पहले एलिमेंट से इन दोनों का गुणा कर दिया, 3 गुणे 3 और 4 गुणे 3 ठीक है, फिर प्लस, अब क्या करेंगे इसका दूसरा स्तंभ लेंगे 5 और 6, और इसमें गुणा किसके करेंगे, इस दूसरे एलिमेंट का 5 का गुणे 5 और गुणे 5 कुछ नहीं,
पहला स्तंभ लिया, ये पहला स्तंभ लिख लिया ना तीन चार इसी तरह से, और इसमें गुणा क्या किया दूसरे अवयव के पहले एलिमेंट से तीन तीन, फिर दूसरा स्तंभ ले लिया और इसमें किसका गुणा किया दूसरे एलिमेंट से। अब फिर और आगे आते हैं, फिर से पहली पंक्ति ले लिया, ये पहला स्तंभ ले लिया तीन चार और इसका गुणा दूसरे स्तंभ के पहले एलिमेंट से, ये गुणे चार गुणे चार, फिर प्लस आप क्या करेंगे दूसरा स्तंभ ले लेंगे पांच छ और इसमें गुणा किसका करेंगे एक का, पांच गुणे एक और छह गुणे एक, ठीक है। क्या किया गया पहला स्तंभ जैसा लिखा था तीन चार लिख लिया, इसमें किसका गुणा किया दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के पहले एलिमेंट से, फिर प्लस कर दिया पांच छह लिख लिया और इसमें किसका मल्टीप्लाई किया ये दूसरा एलिमेंट हो गया, फिर और आगे चलते हैं, फिर तीन चार लिखा दूसरे स्तंभ का पहला एलिमेंट गुणा, इसी तरह से इसको किया, इसको हल करेंगे, ये देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, वही आएगा नौ पच्चीस बारह पांच चार तिहाई बारह तीस और सोलह छह, और इसको हल करेंगे तो वही चौंतीस सत्रह बयालीस और बाईस। तो इस तरह से अवयवों का गुणा किया जाता है, और एक दो एग्जांपल लेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे और गुणा, ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है, गुणा सरल है और गुणा अगर बनने लगेगा तो आगे इस मैट्रिक्स से सारे सवाल बड़ी आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज के बाद सवाल लेके देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लो ये सवाल एक दिया हुआ है, यदि a बराबर तीन तीन पांच चार 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 और b बराबर दिया हुआ है एक तीन माइनस एक दो जीरो और जीरो, ये दिया हुआ है। अब इसका गुणा करना है, ठीक है, गुणा करेंगे, ये देखो ये जो है तो इसमें दो पंक्ति और तीन कॉलम टू क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स है। अब इसका गुणा तभी संभव है, इसमें स्तंभ कितने हैं तीन, तो इसमें तीन ही पंक्तियां होनी चाहिए, ये देखो एक दो और तीन पंक्तियां हैं, मतलब गुणा हो जाएगा। और ये है किस टाइप का मैट्रिक्स, किस क्रम का, थ्री क्रॉस टू दो स्तंभ। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मतलब इन दोनों को गुणा करने पे, वो किस क्रम का मैट्रिक्स होगा, वो हो जाएगा हमारा टू क्रॉस टू का। गुणा करने के लिए बताया आप लोगों को दो तरीके बताया, किसी भी तरीके से आप गुणा कर सकते हैं इसको, पहले ए लिख दिया, देखो अगर इसको जोड़ना होता तो नहीं जुड़ता, जोड़ने के लिए क्रम क्या होने चाहिए समान होने चाहिए, पर गुणा करने के लिए क्रम समान होने की जरूरत नहीं है। ये देखेंगे थ्री थ्री फाइव फोर 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 इंटू वन थ्री माइनस वन टू जीरो एंड जीरो। अब इनका हम गुणा करेंगे, गुणा करने के लिए आपको दो तरीका बताया, जो भी आपको सही लगे उस तरीके से आप कर लीजिए। अगर ये वाला सही लगता है कि हमने पहली पंक्ति उठाई पहले पहले स्तंभ से कर दी फिर दूसरे स्तंभ से कर दी तो वैसा कर लीजिए। अगर ये वाला सही लगता है कि पहले पहला स्तंभ उठाया और इसे एक से गुणा कर दिया उसमें, फिर प्लस लिखा दूसरा स्तंभ उठाया माइनस एक से गुणा कर दिया, फिर तीसरा स्तंभ उठाया और जीरो से गुणा कर दिया, फिर अगले स्तंभ में चलते हैं आंसर वाले में, फिर पहला स्तंभ उठाया तीन से गुणा कर दिया, प्लस लिखा दूसरा स्तंभ उठाया दो से गुणा कर दिया। तो जो आपको सरल लगे आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस तरह से कहते हैं पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो तीन का गुणा एक से, तीन गुणे एक, तीन का गुणा एक से, उसके बाद प्लस, अगर संख्या में माइनस है तो लगा सकते हो माइनस, नहीं तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। फिर तीन गुणे दूसरे का एक, दूसरे एलिमेंट से गुणा माइनस एक, फिर प्लस क्या है पांच गुणे जीरो, ये हो गया। अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ लेते हैं, पहली पंक्ति में तीन, ये दूसरा स्तंभ धुरी से शुरू करेंगे, दूसरा कॉलम बनाना है, तीन गुणे तीन प्लस
तीन गुणे दो प्लस पांच गुणे जीरो। फिर अब पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया, पहली लाइन हमारी खत्म हो गई, ठीक है। अब दूसरी लाइन पे आते हैं, चार है, चार गुणे एक प्लस चार गुणे माइनस एक प्लस चार गुणे जीरो। फिर अगला चार गुणे तीन, दूसरी स्तंभ से चार गुणे तीन, चार गुणे दो और प्लस चार गुणे जीरो। अब यहां से सरल है, इसको तो आसानी से कर सकते हो, तीन एक कम तीन और तीन माइनस तीन है माइनस तीन प्लस जीरो, यहां चार एक कम चार माइनस चार और जीरो, यहां तीन त्रिकाई नौ, तीन दूनी छ प्लस जीरो, चार त्याई बारह, चार दूनी आठ और जीरो, यहां आएगा जीरो, यहां पंद्रह, यहां जीरो और यहां बीस। तो इस तरह से इसका गुणा कर लेंगे, गुणा ज्यादा कठिन नहीं है, गुणा आसान है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों की एक्सरसाइज 3.4 पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। उन क्वेश्चन में इस तरह के ए बी और सी दो तीन प्रकार के मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए बी और सी, उनका गुणा करके कहीं कहीं पे सिद्ध भी करने के लिए दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए ए बी बराबर बी सी, मतलब हमको ए बी का, ए में बी का गुणा करना पड़ेगा फिर बी में सी का, और देखेंगे बराबर आता है कि नहीं आता। तो इसमें और भी बहुत सारे सवाल दिए हैं जिनको आप लोग लगाओगे, और बाकी क्वेश्चन तो इजी दिख रहे हैं, ज्यादा कठिन दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और आप लोगों को बताता हूं इसमें से, उसके बाद आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो आप लोग उस क्वेश्चन की पिक भेज सकते हैं, ठीक है। टाइम पता है 5 से 8। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर और 1। और इसमें मल्टीप्लाई करना है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का, ठीक है ना। इसमें देखो ये दोनों आव्यूहों को जोड़ना है, जोड़ने के लिए कम समान होना चाहिए, कम समान ही दिख रहे हैं, ये भी 3 cross 3 का, ये भी 3 cross 3 का, इसको ऐसा जोड़ लेंगे 1 प्लस ओमेगा, करिस्पोंडिंग एलिमेंट जोड़ते हैं 1 प्लस ओमेगा, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, फिर 1 प्लस ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और फिर ओमेगा प्लस 1, ये हो गया मल्टीप्लाई 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यहां से भी आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो या इसको और छोटा कर सकते हो, कैसे, 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छा 11 में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 0, इस प्रॉपर्टी को लगा के इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह यहां से क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा इधर छोड़ देते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो ये उधर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाएंगे माइनस 1, इसी तरह इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर और 1 छोड़ दिए, इसको ले जाएंगे इधर तो माइनस ओमेगा, ऐसे ही सब में कर लेंगे, यहां माइनस 1 आएगा, यहां माइनस ओमेगा आएगा, यहां माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, यहां माइनस 1 आएगा, यहां माइनस ओमेगा आएगा और यहां पे आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर,
ये हो गया। इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है, ये अब मल्टीप्लाई के लिए तो बता दिया क्या होना चाहिए। ये देखो 3x3 का मैट्रिक्स है, तीन ही पंक्तियां और तीन ही स्तंभ, और ये इसमें स्तंभ केवल एक है पर पंक्तियां 1, 2 और 3, 3x1। तो पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर है, बराबर है तो गुणा हो जाएगा, और गुणा करने पर रिजल्ट कैसा आएगा, जो अवयव आएगा ये देखो 3x1 का, मतलब उसमें भी इसी तरह से तीन पंक्तियां होंगी और केवल एक कॉलम होगा। गुणा करके देख लेते हैं क्या ऐसा आता है। गुणा दो तरीके बताया, पहला तरीका पहली पंक्ति स्तंभ तो एक ही है, चलो इसी को कर लेते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर का एक से गुणा किया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस एक का ओमेगा से किया माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर से किया माइनस ओमेगा क्यूब, ठीक है काम खत्म हो गया। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक ही तो स्तंभ है। अब दूसरी पंक्ति लेते हैं, दूसरी पंक्ति और पहला ही स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति अब यहां पे लिखेंगे ना, यहां थोड़ी लिखेंगे, दूसरी पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, माइनस एक का एक से गुणा किया माइनस एक, माइनस ओमेगा का ओमेगा से गुणा किया माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस ओमेगा की घात 4। इसके बाद अब तीसरी पंक्ति आती है तो नीचे ही लिखेंगे, माइनस एक का एक से गुणा किया तो माइनस एक, माइनस ओमेगा का ओमेगा से गुणा किया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर से किया तो माइनस ओमेगा की घात 4। ये हो गया। अब देखो सब में माइनस एक क्या माइनस बाहर निकाल लेते, इसमें भी है इसमें भी इसमें भी है, बाहर निकाल लिए, यहां भी बाहर निकाल लिए, यहां भी बाहर निकाल लिए, तो कुल मिला के माइनस हमारा बाहर आ गया, अंदर बचा ओमेगा स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको यहां लिखते हैं, ज्यादा नीचे हो रहा है, यहां पे इसको देखते हैं। एक चीज और कक्षा 11 में आपने पढ़ी नहीं होगी, ओमेगा क्यूब बराबर 1, ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हैं ए, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका माइनस बाहर किया, ये माइनस हो गया, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और प्लस क्योंकि माइनस तो बाहर आ गया तो सब प्लस हो जाएंगे, तो ओमेगा क्यूब, इस ओमेगा क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड पे आते हैं, माइनस तो बाहर आ गया तो बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की घात 4 है, तो ओमेगा की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। इसके बाद लास्ट में आते हैं, इसका भी माइनस बाहर आ गया है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस यहां भी ओमेगा की घात 4 है, इसको भी हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ये हो गया माइनस, अब इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं या ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और फिर ये ओमेगा क्यूब की जगह पे फिर एक आ जाएगा तो 1 इंटू ओमेगा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा ओमेगा, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहां भी ओमेगा क्यूब है, इसका मान एक हो जाएगा, एक हो जाएगा तो केवल ओमेगा बचेगा। अब वही जो प्रॉपर्टी अभी हमने लगाई थी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो यहां से ये 0, ये लाइन, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। तो इस तरह से अवयवों का गुणनफल बहुत कठिन नहीं है, बड़ा आसान है, जैसा मैंने आपको बताया इसी तरह से करना है और बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज दी हुई है 3.4, तो 3.4 को आप लोग अपने नोटबुक में लगाइए और जहां कोई समस्या हो तो उसे बताइए। धन्यवाद।